देवे अपन बच्चे हम खुद बताए थे रे ले प्रधान जी दई अखी बीड़ी अखी एक लोटा पानी एक दे ये रहर के खेत में बैठ गए बाबा समय बैठू ना ही पावर बा लगातार में चलता है ना तो हाँ तो भैया बाबू रा सबसे पहले हमारे परचे सुना कि हमके यही कहा के रहे वाली यही हमारा नाम का बा और हमार काम का बा हम प्रेम नगर के रहे वाली यही नाम हमार रथ कलाबा महारानी रथ कलाबा हमारे पति का नाम आ बताई आप हमारे पति का नाम महाराज बलवंत सिंह बा एक हमारे देवर बा जेका नाम राजकुमार भक्त बा और एक देवरानी बा जेका नाम आरती बा आरती के गो से एक बेटवा बने का नाम सूरज कुमार बा हाँ वही है चुप करे बेटवा के नाम है कि जब निकला थू यारे हाँ रे लेकिन बड़ी अफसोस के बात ही बा कि महाराज दिन भर अपन दरबार देखा थे और संध्या कावत थे अपने बिस्तर पे सो जाते हमारे तन को ध्यान ही नहीं देते प्रधान जी हमार जवानी ऐसे बीती जात बा ऐसे तड़पत बा कि जैसे जल बिना मछली तड़पत प्रधान जी तई दुई बाल्टी पानी मंगवाई देता जो उन तड़पाता है उनका पिया ही दे दुई बाल्टी पानी दे दे नहाई ली इसी राज महल में जो से उरे हट हट इसी राज महल में जो सेनापति है जब से उसको मैं देखी हूं ना मेरा तो दिल आ गया है उसमें हाँ रे हम कहीं आलू छील बैठा है तोर कहे के मतलब तोर कहे के मतलब तई हमसे प्यार कर गए तोरे कहे के मतलब ये है कि हम आलू छीले बैठे चल देख महाराज तो हमसे कोनो मतलब रखते नहीं रे ना सबसे पहले तो सेनापति के बुलाओ सेनापति के बुलाओ हमसे अपन प्यार भरा बात करब अगर बात मान गए ना ती राजमहल कौन का है हम सम्राट बना दे अरे माई हा? अगर उनका सम्राट बना दे बा तू ही सम्राट के लगे रही सम्राट बना दे तो सम्राट ही लगे रही सबसे पहले तो बोला सेनापति के बोला रे ए माई ही सुखुन दे तही का खून दे खून ना दे ये ले के तो कब हम लतिया ही दे फोन कह दे रे हाँ फोन कह दे 1 2 3 सारा काम फ्री 6 6 6 6 9 0 कृपया अपना नंबर जांच कीजिए कभी नहीं बता रहा है नेटवर्क बिल्कुल नहीं बता रहा है आपके मोबाइल में पैसा फिर भी चार्जिंग नहीं बता रहा है बता भी रहा साला जाकर बॉम्बे के अंदर समुंदर में गिर रहा है कब्रस्तान से बाहर बता रहा है बाहर बता रहा है बाहर माई नंबर हुआ तो विजयी बतावत बा विजयी नहीं बता रहा दुलार आई होते तो दुलार जरूर बताते विजयी बताओ क्या कह रहे कब्रस्तान से बाहर बता दो कब्रे क्षेत्र से बाहर बताओ कब्रस्तान से बाहर विजयी बता कि विजयी बता था एक ना लगाओ देखा था ना 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 ना
98 95 09 99 है। एमआई वो अपने मोबाइल हम कार्ड आवाए हैं गनवा। अरे गुड़ही जलेबी आप चाय पिया मेलावा में गुड़ही जलेबी कर में करा बाओ चना तो होई के लावा दे कर में हे गुड़ही जलेबी आप चाय पिया मेलावा में हेलो आप जिसे बात करना चाहते हैं वो कृपया होल्ड कर दिए हैं। हेलो हाँ भैया नमस्ते। हाँ मैं नौकर बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं भैया मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ आप जल्द से आइए अब आपको राज दरबार में महारानी जी याद कर रही है। सम्मानित भाइयों से माता बहनों से छोटे छोटे मासूम मुन्नों से और कमेटी वाले भैयों से हमारे तरफ से और हमारे पार्टी के तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। दोस्तों मंच के माध्यम से मैं महाराज बलवंत सिंह के दरबार के सेनापति मेरा ही नाम कमल सिंह है। अचानक ना जाने क्यों दरबारी याद किया है रात दरबार में। सबसे पहले हम दरबारी से मिलते हैं। हम कहे भैया नौ सत्य तिरसठ भैया नौ सत्य तिरसठ बे यही पूछा था ही भैया बेहूदे इडियट नालायक तूने सवाल किया बे हमने तुम्हें सवाल का जवाब दिया। वही जाऊन कहा थी भाई उसे नमस्ते तो कहीं नहीं बोल रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बतावा भैया छह बच्चा बा छह बच्चा नहीं बारह बच्चा हो गया। समाचार ठीक है? हाँ और सब समाचार ठीक है ना? ठीक है लेकिन दरबारी। हाँ भैया तुम्हारा समाचार तो ठीक है लेकिन हमारा समाचार तो नहीं ठीक है। उके था भी ना इसलिए कि आज सुबह जब सो के उठा तो ना जाने कि मेरी बाई आंखें फड़क रही है। भैया एकरे माने हमका लागत बकौनो सगुन है। सगुन नहीं उसे अशगुन कहा जाता है। हाँ, ये स्कूल लेके हम बैठे रहेंगे तो ड्यूटी पे कौन काम करेगा। अचानक रात दरबार में बुलाने क्या कारण है दरबारी? आपको महारानी जी याद किए हैं भैया आप मेरे साथ रात दरबार में चलिए। महारानी के कदमों में ये वफादार सेनापति कमल सिंह का सर। खुश रहो बे उल्टी सीधी बात बोलेगा तो फौरन गोली मार दूंगा। सेनापति जी आज मैं आपको दरबार में किस लिए बुलवाई हूँ आपको पता नहीं है। बैठ जाइए महारानी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाजिर हुआ और सेनापति गुलाब बुलवाई हो क्वेश गली ले लो मेरा सलाम।
हाजिर हुआ, काम चाहे जरा। अरे जल्द फरे माइए आपके सेवा में बंदा। कर रहे हैं महारानी जी, आप फरमाइए तो बताइए। ठीक है सेनापति, मैं आपको बताती हूँ कि किस लिए आपको बुलवाई हूँ दरबार में। प्यार करके गले से लगा लीजिए, कह रही इनकार तुम करना नहीं। सुनो महारानी जी, इसलिए अरे आप क्या कह रही है महा सदा ऐसा करना हमें है। अरे गवारा नहीं, आप क्या कह रही है महाराज। महारानी, आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं दे रहा है। किस लिए कि आपकी रात दरबार का मैं नौकर हूं, दो टके का नौकर। ये हिम्मत हमारी नहीं है कि आपसे मैं प्यार कर लूं। देखिए सेनापति, आप मां समान है और आपका लड़का ये सेनापति सब दिन हम महाराज पलवन सिंह को अपना पिता तुल्य समझा हूं, ऐसे शब्द हमसे प्रयोग मत करिए महाराज। देखो सेनापति, ये जो प्यार होता है ना, कुछ देखता नहीं है। जब से मैं तुमको देखी हूँ ना, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया है। रा, 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 रा। लेकिन महारानी, आपके मुख से बातें शोभा नहीं दे रहा। सब शोभा देगी, सब शोभा देगी। अगर तुम मेरी बात मान लोगे ना, इस राजमहल का, इस राजमहल का आपको सम्राट बनाऊंगी। हमें सम्राट नहीं बनना है महारानी जी। ए सेनापति बोलिए। हो हमारी ओरिया वो राजा, हमारी ओरिया। अरे तुम पागल हो गई हो क्या महारानी जी? आपके प्यार में पागल ही हो गई हूँ। ऐसी बातें मत करो महारानी जी। हो हमारी ओरिया वो राजा, हमारी ओरिया करवात फेरा ना माला मुआ तो। अबे बैठ जाओ साले, आराम से नहीं खत्म कर दूंगा तुम्हें। हमारी ओरिया वो राजा, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया वो राजा, हमारी ओरिया तेरा ना बाला मुआ तो, हमारी ओरिया।
अलावे हमारे बब्बू डॉन जो कि सिकंदरा से चलकर आए हैं, कहा था यार भैया मान ही लेता काहे नहीं, ये 10 रुपया दे के कह रहे हैं मान लो, ये 10 रुपए पैसे की कीमत जिस मालिक का मैंने नमक खाया हो उसके साथ गद्दारी नहीं सीखा हो। ये बोलो महारानी, ये बात हरगिज होने वाला नहीं है। आई सर जवानी आ गो मजाल हिम्मत शैले कि महारानी के ऊपर लेट गया वे, आज शाले हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 काहे हमका गोली मारता है? किस लिए महारानी के ऊपर लेट गया? तेरी कितनी औकात है जानता है? हाँ, एक मालिक के जूते की नाल की बराबर। इतनी औकात शाले और महारानी के ऊपर लेट गया वे? माला आप महारानी जी सोवावत रही, हाँ ऊपरा यही प्यार मोहब्बत करा तहा, हाँ यही पगले के तरह हम बैठ के देखा तही प्यार मोहब्बत कहाँ होते भैया, एकांत में होते। अब यही सियान बेटवा खड़ा यहाँ खड़ी है, सियान बेटवा खड़ा यहाँ ही माई प्यार करत यहाँ, ते ही मूड़े खिचड़ी चूरत है तो का करी हम ना। तू राज दरबार का पुराना नौकर है महाराज जी का, हम इसलिए तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, तुम्हारा शिकलती करेगा तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। सारे भैया मान लीला माई गरमा रही है साले रही तो मेरी बात आप मान गए सेनापति जी? नहीं महारानी, नहीं नहीं माने हैं। अगर मेरी बात नहीं मानोगे सेनापति जी तो क्या कर लोगी महारानी जी? अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तभी तुम मेरा असली रूप नहीं देखे हो। असत्रिया जाल में फंसाऊंगी, असत्रिया जाल में फंसाऊंगी कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। अरे महारानी, जिस समय महाराज हमें पिस्टल दिए वर्दी दिए तो कसम खाया था कि इंसाफ का पुजारी इंसाफ करूंगा और कैदी है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। ये जान, अरे महारानी ये जान जाए तो जाए, शान नहीं जाने दूंगा, अब तिरंगा हिमालय पे लहराऊंगा, चाहे चिड़िया जाल में फंसाओ चाहे जो करो। इस समय मैं जा रहा हूं ड्यूटी पे, जो तुम्हारी मर्जी मायो है। सेनापति कमल सिंह, यह तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब मैं तुझे ऐसा तिरिया जाल में फंसाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी मेरा नाम भी महारानी रति कला है। अच्छा ही हमारे साथ सही किए सरे, हमारी बात इनकार की। मान ला जब तक गर्म रहू तब तक ठीक है, जब ठंडा आई गई तो भाग।
संभाल ली है। मैं चल रही हूं महल मेरे, अब ऐसा तिरिया जाल फंसाऊंगी ना कि सेनापति भी सोचेगा कि किसके तिरिया जाल में मैं फंस गई हूं। चलो, अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो, अपना सहाबी मसाला। भैया के सामने तो जवान हार गया हूं कि मैं कल सुबह अपने बेटे राजकुमार की बलि तुम्हारे सामने करूंगा, मगर मैं अपनी बीवी आरती से नहीं पूछा, ना अपने बेटे सूरज से पूछा, जवान दे दिया। फिलहाल बैठ करके इंतजार करता हूं, मेरी बीबी आरती आ जाती है, देखो क्या कहती है। स्वामी, आज आपका चेहरा ये उदास है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आरती, प्रिय क्या कहना चाहती हो? बैठे गम की क्यों प्राण, पत्ते इस घड़ी आँखों से आँसू क्यों रहे हैं रवा। आँखों से आँसू क्यों रहे हैं रवा, अपने जो आज आपका चेहरा मलिन है और आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या अपने दासी से अपना ये गम नहीं बताओगे? बात क्या है? बड़े भाई
क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जा रहा है स्वामी। इम्तिहान कैसा भगवान इही ले रहे अपने दासी से सब हाल कहे डालिए लाल सूरज कि क्या बात स्वामी मेरे। लालो सूरज की क्या